जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो बड़ा मेहरबान है, बहुत करीम है, हद से ज़्यादा नवाजने वाला, करम फरमाने वाला, तौबा को कबूल फरमाने वाला, गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला, रमज़ान को बुलंद फरमाने वाला, बेपरह बुलंद वाला शान वाला बादशाह जिसके फजल व करम की बातों की इंतहा इसका फजल उस बदन के ऊपर हावी है, इसके कर्म के साथ सारे मामला मशबूत हैं, जिसे वो देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। और बेपनाह दरूद व सलाम हमारे आका मौला हमारी जानों के बादशाह हाजिर और नाज़िर अल्लाह करीम की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात आला के ऊपर, इनके मकाम को, इनकी शान को, इनकी हकीकत को आपके रब के अलावा कोई और जानता नहीं। बदरुल सलाम भेजता है तो अल्लाह करीम इनकी आने वाली आम को पहली आम से बुलाता फरमा रहा है तो अल्लाह करीम इनके चेहरा मुबारक को हर वक्त हर लहजा हर आम अपनी निगाहों का मंजर व बरकत बना के रखे हुए हैं तो अल्लाह करीम जिनके जिक्र पाक को खालिसतन आप ही की खातिर बुलंद फरमाने का ऐलान फरमाए तो अल्लाह करीम जिनकी अदा को अपनी अदा करार दे तो अल्लाह करीम जिनकी दफा को अपनी इबादत अपनी बंदगी करार दे तो अल्लाह करीम और मुझे और आपको हर वक्त हर लहजा हर आम अपने मौला करीम से ये दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे करीम रब अपने फजल से अपने कर्म से हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कामिल तबा नसीब करवा कि जो जरिया बन गया हम सब के लिए अपने आका के खुशनुदी को पाते हुए अपने रब की रजा को हासिल करने के लिए जहाँ तक रसूल करीम शहंशाह कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह वाला बुलंद वाला शानों की बात है तो आप जैसे मैंने आप अहबाब के आगे अभी कुरान करीम से ही बात की कि आपकी आने वाली आन को पहली आन से बुलंदतर फरमाने का अल्लाह करीम ने वादा फरमाया है। अल्लाह करीम ने फरमाया कि आप वक्त बाद में आगे चलेगा आपकी शान को मैं पहले से बुलंद फरमाऊंगा। जिक्र पाक आपको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि आपके जिक्र पाक को खालिसतन आपकी खातिर मैंने बुलंद फरमा दिया। अल्लाह पूरे कुरान करीम में किसी भी मौके जगह पर एक जगह भी इस चीज को नहीं पा सकते कि अल्लाह करीम ने यूं फरमाया हो कि जिसने मेरी अता की उसके लिए काफी है बस इसका काम बन गया। जिक्र भी कुरान करीम ने अल्लाह करीम ने फरमाया तो यूं फरमाया कि जिसने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की अतात की दर हकीकत उसने मुझे अल्लाह की अतात की। तवाय रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कुछ आई भी कुरान करीम में वक्त नहीं है मैं बहुत बहुत फैलाना नहीं चाहता मैं अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मैंने ये बात इसलिए जरूरी समझी कि हमें अपनी औकात में रहना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बरा बरा बेपनाह बुलंद ना कोई औकात के हम ये कह सकें कि हम अपने आका के तो कोई बंदा तो कोई लामहदूद ताकत वाले ने जिस जिक्र पाक को बुलंद फरमा दिया महदूद हद में रहने वाला उसने राय बराबर भी उस शान के बारे में ना जान सकता है ना पा सकता है। हाँ इस उसके लिए ये है कि जितना इस जिक्र पाक में अपने आप को गर्क करेगा कोई गरीब नवाज बन जाएगा कोई दाता बन जाएगा ये उसे दाता बना डालता है। जो बात कर रहा था कि मैं सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम के आला पाक पर गुदाद जिन्हें हमें जहन में रखना चाहिए दो चार मिनट में इसमें अपनी बात को समेट लूंगा कि रसूल करीम शहंशाह कुलआलम जो हमारी बड़ी जरूरत है अभी जैसे वट्टी साहब ने बुलाया वो अफसरान आए देख के गए आए
हम उन्हें बड़े अच्छे चेहरे के साथ, बड़े अच्छे अखलाक के साथ उन्हें वेलकम करें। वो जहाँ भी बैठे हुए देखें, जिस मकाम पर देखें, वो मुतासर हो कि हम किस अरफा वाला दीन के पैरोकार हैं और हमारे आका अलैहिस्सलाम हमारी किस अंदाज से तरबियत फरमा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने आका अलैहिस्सलाम के फरमुदात को समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या तुम जानते हो कि कल क़यामत के जब मीज़ान लाया जाएगा और तुम्हारे अमाल उसमें तोले जाएंगे, तो क्या तुम इस चीज़ की खबर रखते हो उस वक्त सबसे वज़नी चीज़ उसमें क्या होगी, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या होगी जो तुम्हारे पर्दे को भारी कर देगी। असहाबा इकराम ने दुआ अल्लाह का कायदा था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने वाले हैं, इल्म रखने वाले हैं और खबर रखने वाले हैं। उन्होंने अपने आका अलैहिस्सलाम के आगे अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाइए, एहसान फरमाइए, हमें बताइए कि वो कौन सी चीज़ है कि जो उस दिन हमारे इस अंदाज से काम आएगी कि सबसे भारी होगी वो हमारे दामा-ए-आमाल में, उस पैमाने में, मीज़ान के ऊपर। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा अच्छा माहौल होगा, अच्छा अखलाक होगा, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव होगा, ये सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी, यही सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी। और तसव्वुफ़ तरीक़त में तो ऐसे लोगों के साथ बैठ कर ये बातें करते हुए, क्योंकि हर बंदे को खड़े होकर इस चीज़ को ऐलान करना चाहिए कि मैं ये जानने वाला हूँ कि मेरे आका ने फरमाया कि किसी को मिल तो बड़ा खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे, जब किसी को देख तो मुस्कुरा के देख, जब किसी को सामने देख तो सलाम करने में पैर कर। ये हमारा दीन है, ये हमारे दीन की अरफा वाला तालीमात है। रसूल करीम शहंशाह कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी पाक भी पढ़ते हैं, तुम भी खाते हैं, कभी हमने ये भी देखा कि हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्का पुख्ता ईमान भी होता है कि अल्लाह साहब बड़ा खूबसूरत इसमें बयान फरमाते हैं कि आप हाजिर और नाजिर हैं और आप हमारे हर हाल के देखने वाले हैं। हम अपने आका अलैहिस्सलाम के गुण गा रहे हैं और हमारा ये ईमान भी हो कि हमारे आका हमें देख रहे हैं और हमें पता भी हो कि हमारे आका हमें देखना कैसे चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपने गुलामों को इस तरह देखना चाहता हूँ और जिस तरह मैं देखना चाहता हूँ उसी का नाम ईमान है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो इस चीज़ का नाम है कि तेरा वजूद जहाँ हो फिर तो नफे का बायस, कभी किसी सूरत तेरा वजूद किसी को तकलीफ गिर तो ना हमी बात की बात नहीं की गई। आप अलैहिस्सलाम ने कहा गिर तो नमा में तेरे, तेरा कोई पड़ोसी है, तेरे पास से गुजरने वाला है, ये सिर्फ बिल्कुल हट कर क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमारी तारी बात हमारी तरबियत फरमाई है ना कि जनाजा गुजर रहा है। आप अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं, गुलामों ने हंस की गया रसूलुल्लाह वसल्लम की यहूदी है, आपने हमारा इंसान तो है ना, ये तरबियत है दीन इस्लाम, ये तरबियत है और ये तरबियत बात से बेटू फैलाना चाहता नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम का दरबार पाक है। आपने फरमाया कि तुम मुफ्लिस किसे समझते हो, गुलामों की तरबियत हो रही है ना, आपने फरमाया कि तुम किसे समझते हो, तुम मुफ्लिस कमला खाली एम्प्टी उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है। गुलामों ने जिन्हें सादा कराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम के नाम से याद किया जाता है, आपने अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बाप और माँ आप पर कुर्बान, हम मुफ्लिस उसे समझते हैं कि जिसके पास कोई बकरियों का रेबड़ नहीं, ऊँच नहीं, तजुरों का बाग नहीं, माल और इस्बात नहीं, कोई तजारत के लिए कुछ उसके पास है नहीं, खाली है, हम उसे फरमाते हैं, हम उसके लिए कहते हैं कि ये मुफ्लिस है। आप ये मुफ्लिस सही है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन मुफ्लिस है, गौर से सुनिएगा, खुदा के लिए अमल की भी कोशिश कीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन मुफ्लिस है, कि एक बंदा इस दुनिया से गया, जब गया तो पहाड़ों की मानद माल लेके चला गया, नमाजें रोजे हज ज़कात इतने उसके पास इकट्ठे कि पहाड़ के मानद उसके साथ गए। आप फरमाते हैं कि फिर वो उस दिन पेश हुआ अपने रब के हुजूर इस हाल में कि आमाल नमाजें ही नमाजें हैं, रोजे ही रोजे हैं, हज ही हज हैं,
लगाते ही लगाते हैं, बहुत सारे उसको सजदे कर रखे। आप बड़ी बड़ी रातों को जा गए, आप फरमाते हैं रब के हुजूर पेश हुआ, उधर आया उधर से आया, क्या मेरे करीब रब ये मेरे बारे में कहता था ये फलाना ऐसा होता है, अल्लाह करीब फरमाते हैं निबत करता था, मेरे करीब रब तेरे से फट के कौन जानने वाला है कि ये ऐसा करता था। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे कि नमाज़ा चुको डालते इसके लिए जो एक दूसरा इधर से आएगा इसने मुझे गाली दी थी, एक उधर से आएगा इसने मेरा हक मारा था, एक उधर से आएगा इसने मुझे फना वक्त पे ऐसी बात की थी कि मेरा दिल दुखा था, तड़ा तड़ नमाज़ा रोजे खाली होते चले जाते, यहाँ तक कि आप फरमाते हैं उसके पास कोई भी आवाज नहीं रह जाएंगे, वो पहाड़ खत्म हो जाएंगे। फरिश्ते आप करेंगे अब क्या करेंगे, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब ताला फरमाएगा कि आप हमारी तरबियत फरमाएं कि खुदा के इस जमीन के ऊपर सुधर जाओ, ताकि जब जमीन के अंदर भी जाओ तो उधर भी ठंडक और उस दिन उठो तो उधर भी गर्म ही गर्म। ये खाली मत्थे काले करना रंग नहीं बढ़ती भाई, मत्था काला करना लेके क्या, ये किस तरफ लेके जाती है ये चीजें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वाज़े तौर पर फरमाया नमाज बुराई से रोक देती है, कुरान का हुक्म है, और बुराई इससे बड़ी कोई है जिसके वाले बारे में रसूल उन्होंने फरमा दिया कि ये जिना से बदतर है हिबत, कितने आसानी के साथ इसके अंदर तलाक दें और इस काम में किस अंदाज से उस दिन बदला देना पड़ेगा कि आजकल बड़े अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे हम सभी का आपसे। खैर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ तक जब खाली होगा और जब फरिश्ते कहेंगे इसके बदले कुछ नहीं रहा तो क्या अल्लाह ताला फरमाएगा जो शिकायत करने वाला आ रहा है ना उसके जो गुनाह है उसके बदले में डालते आप फरमाते हैं मुफलिस इसे कहते हैं, वो खाली इधर नमाजें पढ़ता रहा लेकिन नमाज की रूह को नहीं समझा, इधर रोजा रखता रहा लेकिन तकवा अख्तियार नहीं किया, इधर हज पे गया आया लास बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब आपने फरमाया तो असहाबे इकराम को मुखातिब होकर किसा सा फरमाया आओ हम एक लम्हे के लिए तो ईमान वाले सारों का दार होते थे और कहते थे आओ हम एक लम्हे के लिए तो ईमान वाले हो जाए। रसूलुल्लाह की खिदमत में असहाबे इकराम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम ईमान वाले नहीं है, आप नमाज छोड़ दो मेरे इस गुलाम को, ये उस ईमान की बात कर रहा है जिसका नाम ईमान है। पहले ये कह रहा था हमारे साहब कुछ है हमारे बातें कुछ है हमारे आवाज कुछ है, मैं ये बात करता हूँ इधर से करता हूँ दर्द लेके निकलता हूँ, मुझे कहीं बुए बुए जान दी लोड कोई नहीं मेरे बुए थे मुझे पता है कि मैं किस तरह से एक एक दिन में 50-100 जगह पे जाता हूँ, किस लिए कि हर को अपने मान जाना मेरे आका के हक की मन है, अपने हक का मेरे बाद इधर मेरे जूत का अपने हक का मेरे हैं कि थम ले किसी चीज की आदत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। किला साहब खड़ा करते हैं खूबसूरती के साथ, शाह साहब के खूबसूरत कलाम है कि गुलाम दुनिया में जाने वाला बंदा भूखा रहता है, रसूलुल्लाह का दामन पर थामने वाला बंदा रद जाता है रद आता है Allah
آج کی اس محفل کا انتظام جو ہے یہاں راجہ تبسم صاحب نے، راجہ غلام ایرانی صاحب اور دباسی کونسلر قوم کی پٹی ایم پی ای یہ خصوصی دعائیں کے لیے اور باقی مسلمان صاحب کے لیے اور جہاں انتظام جو کیا اور جشن میں جتنے لوگ آ رہے ہیں اور کھانے کا بندوبست سامنے والی بلڈنگ میں اسی کوٹے سے بھی سامنے والی بلڈنگ میں سارے جاتے تھے بڑے مہربان ہیں۔